नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है ऋषभ। आज हम बात करने जा रहे हैं मारुति सुजुकी की इग्निस के बारे में। जो देखा जाए तो कंपनी कहती है सब कॉम्पैक्ट एसयूवी, जो देखा था मिनी एसयूवी है। गाड़ी की फीस अब मेरे सामने है। चलिए सबसे पहले शुरुआत करते हैं इसके फ्रंट प्रोफाइल में। फ्रंट प्रोफाइल में आप देखेंगे आपको एस्प्रेसो जैसी लुक देखने को मिल रही होगी। यू कलर की इसमें दे दी गई यू शेप में। और साथ ही साथ मैं बात करूँ आपको DRL देखने को मिलते हैं, जिसका जो प्रोजेक्ट हेडलैम्प देखने को मिलेंगे। जो थ्रो है इसका व्हाइट वाला है, जो काफ़ी बेहतरीन है। एक बार आपको मैं ऑन करके दिखाता हूँ। बात करूं आपको फॉग लैम्प देखने को मिलेंगे। वहीं मैं बात करूं आपको पूरा बम्पर चेंज कर दिया गया फ्रंट प्रोफाइल से। साइड प्रोफाइल की मैं बात कर लेता हूं, आपके सामने देखा जाए तो आपको RPM देखने को मिलेंगे। वहीं 15 इंच के आपको अलॉय व्हील्स देखने को मिलेंगे, जो देखा जाए तो ब्लैक कलर में काफ़ी बेहतरीन लगते हैं। साइड प्रोफाइल की बात करें, देखा जाए तो आपको SUV लुक देने की पूरी कोशिश की गई है कंपनी की तरफ से। क्रोम फिनिशिंग वगैरह आपको इसके अंदर देखने को नहीं मिलती है। साथ साथ बात करूँगी, जो देखा जाए तो आपको एक शार्क टाइप का आपको एक डिज़ाइन पकड़ा गया, जो काफ़ी बेहतरीन लगता है गाड़ी में। वहीं मैं बात करूँ रेयर प्रोफाइल के बारे में, देख पा रहे होंगे आपको डिफॉगर देखने को मिल रहा है, वाइपर्स देखने को मिल रहे होंगे। साथ साथ देखा जाए तो पूरा बम्पर चेंज कर दिया गया, जैसे कि फेस लिफ्ट वर्जन में देख पा रहे होंगे आप। तो चलिए एक बार इसको बूट स्पेस में आपको दिखा देता हूँ। बूट स्पेस की मैं बात करूँ आपको, बूट स्पेस 267 लीटर की देखने को मिलती है। इसमें भी आपको लाइट देखने को मिलेगी, जिससे कि आप कर सकते हैं थोड़ा आपको लगेज निकालने और रखने में इजी होगा। साथ बात करूँ आपको ट्रे देखने को मिलेगी। वहीं मैं बात कर लेता हूँ इसके अंदर 60-40 स्प्लिट आपको सीट देखने को मिलेगी, जो देखा जाए तो काफ़ी बढ़िया है। नेक्स्ट बात कर लेते हैं इसके इंटीरियर के बारे में। इंटीरियर की मैं बात करूँ, देखा जाए तो आपको व्हाइट फिनिशिंग देखने को मिलेगी, आपको SUV लुक देखने को मिल रहा होगा इसके अंदर। और वहीं बात करूँ ब्लैक पकड़ाया गया इसको, इसको व्हाइट पकड़ाया, काफ़ी अच्छा कॉम्बिनेशन लगता है। क्रोम फिनिशिंग पकड़ाई गई, जो काफ़ी मुझे बेहतरीन लगी। इंटीरियर में बात करूँ आप ड्यूल टोन इंटीरियर देखने को मिल रहा है, जो बेहतरीन लगता है। मैं बात करूँ आपको सीट की हाइट एडजस्टेबल, आर्म एडजस्टेबल देखने को मिल जाती है। बात कर लेते हैं सबसे पहले शुरुआत करें स्टेयरिंग में। स्टेयरिंग में आप देखा जाए तो आपको दो, जैसे कि ब्लैक देखने को मिलेगी, साथ ही साथ आपको व्हाइट फिनिशिंग देखने को मिलेगी। वहीं देखा जाता है आपको स्टेयरिंग माउंटेड कंट्रोल, कॉल रिसीव, कॉल एंड, वॉइस कंट्रोल कर सकते हैं। साथ ही साथ बात करूँ आपको देखा जाए तो स्टार्ट स्टॉप बटन देखने को मिलेगा। वहीं मैं बात कर लेता हूँ आपसे, देखा जाता आप इधर से MID को कंट्रोल कर सकते हो। साथ ही साथ आपको देखा जाए तो AC वेंट्स देखने को मिलेंगे। वहीं मैं बात कर लेता हूँ इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के बारे में, जो देखा जाता आपको स्पीड देखने को मिलेगी, RPM देखने को मिलेगा। उसी में आपको देखा जाए छोटा सा इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी देखने को मिलेगा, जिससे कि आपको थोड़े बहुत डिटेल्स वगैरह बताएगा, फ्यूल इकोनॉमी वगैरह, टॉप जैसे कि माइलेज रेंज वगैरह आपको इसके अंदर दिखाएगा। इसे देखा जाए तो इसके अंदर मैं बात करूँ, जो देखा जाता है लुक काफ़ी बढ़िया लगती है आपको। देखा जाए तो बिल्कुल एक SUV टाइप का थोड़ा टच देने की कोशिश करी गई है। चलिए आपको इन्फोटेनमेंट सिस्टम के बारे में बताओ, आपका हार्मन का इन्फोटेनमेंट सिस्टम देखने को मिलेगा, जिसके अंदर आपको एप्पल कारप्ले, एंड्रॉइड ऑटो सब कुछ देखने को मिलेगा। जैसे इसमें आप देख सकते हैं टाइम, मैं बात करूँ आपको एवरेज जैसे कि फ्यूल इकोनॉमी आपको बताएगा, साथ ही साथ माइलेज कितनी दे रहा है वो बताएगा, या आपको गाना बताएगा जो प्ले हो रहा है। साथ ही साथ आप इसके अंदर फोन कनेक्ट कर सकते हैं। वहीं मैं बात करूँ जैसे आपको ब्लूटूथ से कनेक्ट होगा, पूरा का पूरा आपको इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। नेक्स्ट बात कर लूँ आपको, जैसे कि आप इसे कनेक्ट कर सकते हैं मोबाइल, जैसे कि आपको बताया कर लेते हैं ऑडियो क्वालिटी के बारे में। आपको NCS का एक गाना मैं प्ले करके बताऊंगा, जैसे कि आपको थोड़ा बहुत जैसे कि आपने इसका इंफोटेनमेंट सिस्टम के बारे में देखा ही होगा, मुझे देखा जाता काफ़ी बढ़िया लगा है, एब्सोल्युटली फैंटास्टिक है जो देखा जाए तो मैं बोलूँगा काफ़ी बढ़िया है। हार्मन देखा जाता अपने इंफोटेनमेंट सिस्टम में जो स्पीकर है काफ़ी बेहतरीन देता है, काफ़ी अच्छा लगा मेरे को। साथ ही साथ मैं बात करूँ इंफोटेनमेंट सिस्टम के बाद, देखा जाता इसका AC भी काफ़ी बढ़िया है। हम जैसे बैठे हुए थे, जैसे जैसे कूलिंग काफ़ी बेहतरीन आपको देखने को मिलती है। ऑल ओवर यही कहना चाहूँगा काफ़ी बढ़िया इंटीरियर, काफ़ी ड्यूल टोन आपको देखने को मिलता है। वहीं मैं बात करूँ आपको, देखा जाता एयरबैग भी देखने को मिलता है, जैसे कि बताया था ग्लव बॉक्स देखने को मिलेगा, काफ़ी बढ़िया स्पेस भी काफ़ी बेहतरीन देखने को मिलता है, अंदर तक आपको डीप देखने को मिलेगा। 5-speed मैनुअल गियर बॉक्स देखने को मिलेगा, कप होल्डर देखने को मिलेंगे। मैं बात करूँ आपको 12-volt का चार्जिंग सॉकेट देखने को मिलेगा, ऑक्स USB आपको देखने को मिलती है, हैंड ब्रेक देखने को मिलती है, आर्म रेस्ट इसके अंदर आपको देखने को नहीं मिलता है, जो स्लाइटली थोड़ा डिसअपॉइंट किया मेरे को। मैं बात कर लूँ आपको, देखा जाता है कैमरा देखा जाता आपको मिरर देखने को मिलता है, जो ठीक है, डिसेंट अच्छी बात है, इस सेगमेंट में भी आपको ठीक देखने को मिलता है। साथ ही साथ मैं बात कर लेता आपको, देखा जाता लाइट देखने को मिलती है। वहीं बात करूँ आपको माइक देखने को मिलते हैं, इसमें देख लेते हैं हम, देखा जाए तो आपको सिंपल देखने को मिलता है, कि टिकट रख सकते हैं बस वगैरह और कुछ नहीं। वहीं मैं बात कर लूँ इसके अंदर, आप देखा जाए तो आपको मिरर देखने को मिलेगा।
इंजन की बात करूँ आपको 1.2 लीटर का पेट्रोल इंजन देखने को मिला है, डीजल इसके अंदर नहीं देखने को मिलता है, मारुति ने डिसकंटिन्यू कर दिया है। वहीं बात करूँ BS6 का इंजन देखने को मिलेगा और 4 सिलेंडर का देखने को मिलेगा। स्पेसिफिकेशन आप देख पा रहे होंगे, ऑल ओवर बहुत ही बढ़िया इंजन देखने को मिलता है इस सेगमेंट में। अगर आप प्लान कर रहे हैं तो मैं तो यही बोलूँगा आप डेल्टा वेरियंट लीजिए, या तो अगर आप थोड़ा स्ट्रेच की इसी गाड़ी हो, क्योंकि इसमें 1.2 लीटर का आपको पेट्रोल इंजन देखने को मिल रहा है, काफी बढ़िया एनर्जेटिक इंजन देखने को मिलेगा, हाई स्पीड स्टेबिलिटी काफी बेहतरीन है। ऑल ओवर मैं यही कहना चाहता हूँ, गाड़ी बहुत बढ़िया है, बहुत अच्छी गाड़ी मिलती है आपको, फीचर्स लोडेड गाड़ी देखने को मिलती है। मैं यही कहना चाहता हूँ अगर आप गाड़ी को प्लान करें लेने का तो गो फॉर इट, काफी बेहतरीन चॉइस रहेगी, बहुत ही अच्छी चॉइस रहेगी। लुक भी काफी अच्छी लगती है, पहले से काफी बढ़िया कर दी गई है इसकी लुक। वीडियो अच्छी लगी तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल में नया तो सब्सक्राइब किए बिना जाइएगा नहीं। थैंक्स फॉर वॉचिंग, ऋषभ कुमार, स्टे हैप्पी, स्टे ट्यून्ड।